Hey everyone, welcome back to my channel Tutors Magic. I am Shalvi Rastogi and आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है heredity. ये जो टॉपिक है इसमें हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि ऑफस्प्रिंग्स क्या होते हैं या क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये क्रोमोसोम वर्क करते हैं, जीन क्या होती है. इन सारे टर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से एक्चुअल में हेरिडिटी जो है वो वर्क करती है. इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. तो सबसे पहले हम हेरिडिटी के बारे में जानते हैं कि हेरिडिटी एक्चुअल होती क्या है. ट्रेगर मेंडल ने इस हेरिडिटी टर्म को डिफाइन किया था एंड उसमें इन्होंने बताया था कि हेरिडिटी जो होती है ये एक ट्रांसमिशन होता है. ट्रांसमिशन कैरेक्टर्स का या ट्रेट्स का होता है. या कैरेक्टर्स के ट्रेट्स क्या होते हैं, ये कैरेक्टर्स और ट्रेट्स किसी भी एक इंडिविजुअल को डिफाइन करते हैं. जैसे किसी के बाल लंबे होते हैं या कर्ली होते हैं तो वो उसका एक ट्रेट है. अगर किसी की आंखें ब्राउन है या ग्रे हैं या ब्लू है या किसी भी कलर की हैं तो वो उसका एक ट्रेट होता है या एक कैरेक्टर होता है जो कि उसमें शो होता है. इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन किया है इस हेरिडिटी के टर्म में और इसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये हेरिडिटी या ये क्रोमोसोम जीन जो होते हैं ये एक ह्यूमन बॉडी में वर्क करते हैं या किसी भी बॉडी में. अगर किसी भी हम प्लांट की या एनिमल की या किसी भी बॉडी को कंसीडर करते हैं तो उसमें भी ये हेरिडिटी किस तरीके से अपना काम करती है हम ये देखते हैं. तो एक एक करके सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि इस हेरिडिटी के टर्म्स क्या होते हैं और उन हेरिडिटी के टर्म्स जानने के बाद हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि ये हेरिडिटी कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है. सबसे पहले हम हेरिडिटी के बारे में जानते हैं कि हेरिडिटी एक्चुअल होती क्या है. इसका मतलब होता है एक जनरेशन से, फर्स्ट जनरेशन से या सेकेंड जनरेशन से, थर्ड जनरेशन, किसी भी जनरेशन से एक ट्रेट या बहुत सारे ट्रेट्स का ट्रांसफर होना या ट्रांसमिशन होना किसी दूसरे जनरेशन में, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं. जैसे कि हमारे पेरेंट्स से हमें कोई ट्रेट्स आए हैं तो वो हमारी एक हेरिडिटी होती है जिसको हम इस पूरे टॉपिक में इंक्लूड करते हैं. उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं ऑफस्प्रिंग या प्रोजनी, फिर क्रोमोसोम्स, जीन, डोमिनेंट जीन जो होते हैं और रिसेसिव जीन जो होते हैं वो ही एक जीन का पार्ट होते हैं. उसके बाद आता है जीनोटाइप और फीनोटाइप जो इसमें इंक्लूड किया जाता है और उसमें हम बहुत सारे रेशियोज देखते हैं, 1:2 का, 2:1 का, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रेशियोज देखते हैं और वो किस तरीके से निकलते हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी कि किस तरीके से रेशियोज जो होते हैं वो इंक्लूड करे जाते हैं. फिर उसके बाद इस हेरिडिटी में दो और टर्म्स इंक्लूड होते हैं जो रिलेट करते हैं हमारे जनरेशन को. जो पहली जनरेशन होती है उसे हम F1 जनरेशन या फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं और सेकेंड जनरेशन जो होती है उसे हम सेकेंड फीलियल या फिर F2 जनरेशन करके आइडेंटिफाई करते हैं. तो एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं टर्म्स. सबसे पहला टर्म जो है वो होता है ऑफस्प्रिंग का, या प्रोजेनी भी हम कह सकते हैं उसको. इस ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी का मतलब होता है एक एनिमल का या एक ह्यूमन का कोई भी एक यंग वंस, एक नया प्रोडक्ट या कह सकते हैं एक नई जीवन का प्रोड्यूस होना, उसको हम इस ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी में इंक्लूड करते हैं. उसके बाद आता है क्रोमोसोम. नाउ व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमोसोम हम लोगों ने बहुत आमतौर पर सुना है कि क्रोमोसोम्स हैं या क्रोमोसोम्स कैसे अलग होते हैं. तो ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं. न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है और एक सेल डीएनए होता है. इसमें हम अगर हम पीछे से देखें, अगर हम इस डेफिनेशन को बैकवर्ड रीड करें तो सबसे पहले डीएनए सबसे बड़ा मॉलिक्यूल, फिर उसके अंदर सेल,
सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि क्रोमोसोम्स की तरह होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अगर मैं आपको बना करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से, ये क्रोमोसोम है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो क्रॉस की तरह अपीयर हो रहा है और इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट है जीन का। नाउ व्हाट इज अ जीन? जीन एक ऐसी यूनिट होती है डीएनए की, एक छोटी सी यूनिट है डीएनए की ऑन अ क्रोमोसोम व्हिच गवर्न्स द सिंथेसिस ऑफ वन प्रोटीन दैट कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक कैरेक्टर और ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट भाषा में लिखा है। सबसे पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं या कह सकते हैं सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जीन जो है एक ऐसी यूनिट होती है डीएनए की क्रोमोसोम से जो कि एक सिंथेसिस का प्रोसेस करती है। सिंथेसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन करने का प्रोसेस करती है और उस ब्रेकडाउन में प्रोटीन जो है वो ब्रेकडाउन हो रहा होता है और उसमें ये एक कंट्रोल करने का फंक्शन करती है। और वो कंट्रोल क्या होता है, किस चीज़ का, एक स्पेसिफिक कैरेक्टर का या किसी ट्रेट का। जैसे अगर किसी की आंखें ब्लू हैं या किसी की आंखें ग्रे हैं तो वो कैसे होंगी, वो इसकी मदद से होंगी। किसी भी ऑर्गेनिज्म में वो इससे होगी, जीन की मदद से ही होती है। उसके बाद आता है दो ऐसे टर्म्स जो इस जीन को भी डिफाइन करते हैं, एक होता है डोमिनेंट जीन और दूसरा होता है रिसेसिव जीन। नाउ व्हाट इज अ डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन, या मैं कह लूँ क्या डिफरेंस होता है इसमें, तो सिंपल सा डिफरेंस ये होता है, डोमिनेंट जीन का मतलब होता है एक ऐसा जीन जो दूसरे पे हावी हो जाता है, या मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ द जीन विच डिसाइड्स द अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इवन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑल्टरनेटिव जीन। दैट मीन्स एक ऐसा जीन जो अपनी प्रेजेंस हर हालत में शो करता है, चाहे उसके पास एक ऑल्टरनेटिव जीन हो या ना हो वो मैटर नहीं करता उसके लिए, बट वो अपनी अपीयरेंस शो करता है। उसी तरीके से रिसेसिव जीन जो होता है वो भी डोमिनेंट जीन की तरह ही होता है, बट जिस तरीके से डोमिनेंट जीन अपनी अपीयरेंस शो करता है चाहे उसको फर्क नहीं पड़ता कि कोई है जीन की नहीं है, पर रिसेसिव जीन जो होता है वो क्या होता है, एक ऐसा जीन होता है जो डिसाइड तो कर सकता है अपनी अपीयरेंस किसी भी ऑर्गेनिज्म में, बट इसकी एक कंडीशन होती है दैट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर आइडेंटिकल जीन, कि अगर इसका एक आइडेंटिकल जीन है, कोई साथ में है इसके, ये तभी अपनी जो आइडेंटिटी है वो शो करेगा, अदरवाइज ये एक रिसेसिव जीन बन के रह जाएगा। डोमिनेंट जीन अपनी हर कीमत पे शो करता है अपनी आइडेंटिटी को, अपने अपीयरेंस को हर तरह से शो करता है, चाहे उसको फर्क नहीं पड़ता चाहे एक ऑल्टरनेटिव जीन है या नहीं है, पर रिसेसिव जीन को एक आइडेंटिकल जीन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है जिसके वजह से वो अपनी अपीयरेंस को शो करता है। देन द नेक्स्ट टर्म इज जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है, ये एक डिस्क्रिप्शन टाइप का होता है जिसमें हम जीन के डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं और उनको हम किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में। तो उसमें हम सिंपल से ये काम करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखते हैं उसका जीनोटाइप रेशियो या जीनोटिपिक रेशियो हमें निकालना होता है। वो कैसे होता है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्रॉस कराने से आता है, जब उसकी F1 और F2 जेनरेशन आती है उसमें हम जीनोटाइप और फीनोटाइप दोनों देख सकते हैं। देन नेक्स्ट इज फीनोटाइप। ये क्या होता है, द कैरेक्टरिस्टिक और ट्रेट जो कि विजिबल होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको बोले तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसका, तो वो उसका फीनोटाइप भी कहला सकता है। दैट मींस कि इसका जीनोटिपिक रेशियो और फीनोटिपिक रेशियो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है F1 और F2 जेनरेशन पे। नाउ व्हाट इज F1 एंड F2 जेनरेशन? F1 जेनरेशन जो होती है जब दो पेरेंट्स क्रॉस करते हैं टू प्रोड्यूस देयर प्रोजनी और ऑफ स्प्रिंग्स, तो हम उसको फर्स्ट फीलियल जेनरेशन
या फिर F1 जनरेशन कहते हैं. दैट मीन्स वेन टू सेक्सेस जो होते हैं मेल एंड फीमेल जब आपस में प्रोड्यूस करते हैं या फिर मेट करते हैं तो उसके बाद जो प्रोजनी प्रोड्यूस होती है दैट इज द फर्स्ट जनरेशन प्रोजनी. देन उसके बाद F2 जनरेशन क्या होती है. F2 जनरेशन जो होती है उसमें F1 जनरेशन की जो प्रोजनी होगी जो ये प्रोजनी प्रोड्यूस होती है वो जब क्रॉस करेगी आपस में अपने आप में ही क्रॉस करेगी तो वो सेकेंड जनरेशन बनाएगी और उस सेकेंड जनरेशन को हम सेकेंड फिलियल जनरेशन या F2 जनरेशन कहते हैं. एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है. F1 जनरेशन जो है जो वो A और B, दैट मीन्स अगर हम सिंपल भाषा में बोलें तो A+B जो AB बनेगा ये AB जो है ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहलाएगी. अब हम इसको F2 जनरेशन में कैसे करेंगे. F2 जनरेशन में AB और CD जब मिलेंगे तो वो ABCD बनाएंगे तो ये हमारी सेकेंड जनरेशन हो जाएगी. दैट मीन्स ये कम्प्लीटली आपस में ही क्रॉस करते हैं और उसके बाद ये जनरेशन बनाते हैं. उसके बाद हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप जो होता है उसके रेशियोज को निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो मेंडल है उन्होंने 3 लॉज दिए. आपके चैप्टर में बेसिकली 2 लॉज दिए हुए हैं. एक लॉ है जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है एंड द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि आपको इसमें मैं पढ़ाऊंगी. इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में कि उसमें मेंडल ने क्या किया था. सो ग्रेगर मेंडल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया था कि किस तरीके से इनहेरिटेंस जो होता है एक पैटर्न बनता है उसका. और इसकी स्टडी में इन्होंने बताया था कि किस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स या ट्रेट्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं. ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे किया. इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक पाइसम सटाइवम का प्लांट लिया था. नाउ व्हाट इज़ अ पाइसम सटाइवम प्लांट. ये एक पी प्लांट होता है जिस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उनकी 2 स्पीशीज़ को क्रॉस करवाया. जब उनको क्रॉस करवाया तो उसमें से कुछ रिजल्ट्स आए जिसमें उन्होंने ये कैरेक्टर्स और ट्रेट्स देखे. क्या क्या कैरेक्टर्स और ट्रेट्स थे इनके. सबसे पहला इनका था कि ये जो प्लांट की स्पीशीज़ आई है ये टॉल है या ड्वार्फ है. ये सबसे पहले उन्होंने देखा. उसके बाद इन्होंने देखा कि जो सीड्स उस प्लांट से प्रोड्यूस हुए हैं वो राउंड है या रिंकल्ड हैं. इसके बाद थर्ड कैरेक्टर या थर्ड ट्रेट इन्होंने देखा कि वो जो सीड्स हैं वो कैसी हैं. दैट मीन्स अगर राउंड रिंकल्ड हैं तो वो येलो है या ग्रीन है. दैट मीन्स इन्होंने 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर दिया. सबसे पहले उसकी लेंथ, दैट मीन्स प्लांट की लेंथ पे, फिर सीड के शेप पे कि किस तरह की शेप होती है, और फिर उसके बाद उस सीड का जो शेप है और उसके कलर से. इन तीनों को मिला करके इन्होंने एक रिजल्ट निकाला या एक इन्वेस्टिगेशन निकाली कि जो भी ट्रांसमिशन होता है वो एक जेनरेशन से दूसरी जेनरेशन में ट्रांसमिट होता है. इससे इन्होंने एक टर्म को प्रोड्यूस किया जो था हाइब्रिड. नाउ व्हाट इज हाइब्रिड. हाइब्रिड एक ऐसा टर्म है जो आइडेंटिफाई करता है या जो कम्प्लीटली आपको बताता है कि एक नई स्पीशीज या एक टाइप की नई वैरायटी की स्पीशीज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है. दैट मीन्स हाइब्रिड की एक डेफिनेशन है जो बहुत ही सिंपल है. तो सबसे पहले हम हाइब्रिड की डेफिनेशन लिख लेते हैं. हाइब्रिड की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है. अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट या अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग इन द न्यू वैरायटीज. दैट मींस अ न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग इन द resulting in the new variety of different species.
when crossed. That means कि जब क्रॉसिंग होगी तो एक नया फॉर्म या एक नई फॉर्म की स्पीशीज जो है वो प्रोड्यूस होगी और उस प्रोड्यूस्ड स्पीशीज से एक डिफरेंट काइंड की स्पीशीज होगी जिसको आइडेंटिफाई किया गया है. इस हाइब्रिड टर्म के बाद इन्होंने दो नए टर्म्स को और बताया और जस्टिफाई किया. एक था मोनोहाइब्रिड और दूसरा था डाईहाइब्रिड. नाउ व्हाट इज मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड? ये दो एक ऐसे टर्म्स हैं जिसको मेंडल ने बहुत ही क्लैरिफिकेशन के साथ एक्सप्लेन किया था. मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड में सबसे पहले हम मोनोहाइब्रिड को कम्प्लीटली जस्टिफाई करते हैं. मोनोहाइब्रिड एक ऐसी टर्म है या एक ऐसी प्लांट के टाइप है या स्पीशीज है जिसमें हम देखते हैं कि एक टाइप का प्लांट है. दैट मीन्स कि एक टाइप की स्पीशीज है जो ओरिजिनेट हो रही है. तो इसका हम डेफिनेशन जो है वो सबसे पहले लिख लेते हैं कि क्या डेफिनेशन एक्चुअल में इसकी कॉल आउट होती है. सो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग पढ़ते हैं एक ऐसा इनहेरिटेंस जो बताता है वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. दैट मीन्स इसमें हम लिखेंगे सिंपली सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखेंगे दैट इन मोनोहाइब्रिड प्लांट्स हम लोग किस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं? एक इनहेरिटेंस पढ़ते हैं. वी विल स्टडी द इनहेरिटेंस और वो इनहेरिटेंस किस टाइप का होता है? एक पेयर टाइप का होता है ऑफ वन पेयर कंट्रास्टिंग. वो क्या ऐसे कौन सा मेन पेयर होता है या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है तो वो हम लिखेंगे. दैट मीन्स कंट्रास्टिंग अ कैरेक्टरिस्टिक्स और वो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? या तो टॉलनेस होती है, उसकी लंबाई कि कितना लंबा एक्चुअल में प्लांट होता है, या फिर एंड कि वो कितना छोटा प्लांट होता है. किसी भी पी प्लांट में ये हमेशा हम याद रखेंगे कि जो मेंडल हैं इन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे किए थे तो हम हर जगह इसको मेंशन कर देंगे ऑफ द पी प्लांट. ये हम हमेशा मेंशन करते हुए चलेंगे कि ये जो था ये पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट हुआ था एंड इसकी जो जेनरेशन थी वो फर्स्ट और सेकेंड दोनों जेनरेशन में प्रोड्यूस हुई थी. तो हम यहाँ लिख देंगे ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड जेनरेशन प्रोजेनी. तो हम यहाँ पे एक बार फिर से डेफिनेशन जो है वो रिकॉल कर लेते हैं. इन मोनोहाइब्रिड प्लांट्स वी विल स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक दैट इज टॉलनेस और ड्रॉफनेस ऑफ द पी प्लांट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन प्रोजेनी. मतलब क्या हुआ इसका? इसका ये मतलब हुआ कि मोनोहाइब्रिड प्लांट में हम हमेशा इनहेरिटेंस पढ़ते हैं और वो क्या होता है? एक पेयर से रिलेटेड होता है जिसमें टॉलनेस और ड्रॉफनेस किसी भी पी प्लांट की हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं. वो आइडेंटिफाई करने का सबसे बड़ा मोटिव ये होता है कि उससे हमें फर्स्ट और सेकेंड जो जेनरेशन होती है वो हमें मिल जाती है. इसके बाद अब हम आते हैं डाईहाइब्रिड पे. तो डाईहाइब्रिड जो होती है वो भी मोनोहाइब्रिड की तरह ही होती है. थोड़ी सी डिफरेंस होती है इसमें कि वो डिफरेंस क्या होती है कि इन डाईहाइब्रिड प्लांट हम लोग दो कंट्रास्टिंग पेयर्स के बारे में पढ़ते हैं. यहाँ पे हम एक कंट्रास्टिंग पेयर के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे दो है इसलिए डाई है यहाँ पे इसलिए तो हम दो पढ़ेंगे. यहाँ मोनो था इसलिए हम वन पढ़ रहे थे. तो दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं. वो क्या होती है? डेफिनेशन में हम देख लेते हैं. इन डाईहाइब्रिड
plants, we will study the two pairs of contrasting characteristics. कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं किसकी, हमेशा अभी मैंने बताया आपको पी प्लांट मेंशन करना है, ऑफ द पी प्लांट, हमेशा हमें पी प्लांट को मेंशन करना है और वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होगी, सच एज, या हम लाइक भी बोल सकते हैं, सच एज येलो या राउंड येलो, सॉरी राउंड येलो, राउंड येलो, पहले शेप आएगा फिर कलर, और रिंकल्ड ग्रीन, ये दो टाइप की हमने कॉन्ट्रास्टिंग केयर्स को पढ़ा। दैट मींस हम सबसे पहले इसका ये देख लेते हैं कि दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं, और इसमें सबसे पहले जानते हैं कि किस तरीके से वो कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रही हैं उस प्लांट में। उसके बाद हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देखते हैं कि क्या ये जो पी प्लांट्स हैं ये कम्प्लीटली इसको कैरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग मेन इसका टॉपिक पढ़ते हैं जो है इसका लॉ, दैट मीन्स मेंडल्स लॉ। और मेंडल के दो लॉ हैं बेसिकली। पहला ऐसा लॉ है जो इसी में अप्लाई होगा, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड द थर्ड वन इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दो लॉ जो है वो हम पढ़ते हैं बेसिकली क्लास टेंथ में, हम दो लॉ ही पढ़ते हैं। और सबसे पहला लॉ जो है उसमें हम ये मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड ही पढ़ेंगे सिर्फ, और दूसरे वाले में मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड किस तरीके से काम करते हैं वो पढ़ेंगे। जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है उसमें हम जानेंगे कि ये जो टॉलनेस है और ड्रॉफनेस है ये किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से नई प्रोजेनी को प्रोड्यूस करती है। देन हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये जो राउंड येलो, दैट मीन्स शेप और कलर आया है, ये किस तरीके से आया है, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये दो टाइप के शेप और दो टाइप के कलर्स जो आए हैं सीड में वो किस तरीके से आए हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पहला ऐसा लॉ है जो मेंडल ने एक्सप्लेन किया था। इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने सिंपली टॉल और ड्रॉप प्लांट को लिया, जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से इन दो प्लांट्स की क्रॉसिंग करवाने के बाद हमें फर्स्ट फीलियर जनरेशन या F1 जनरेशन जो है वो मिल जाती है। इस F1 जनरेशन का जब कम्प्लीटली प्रोडक्शन हो जाता है, इसकी क्रॉसिंग फिर तब शुरू होती है, एंड देन F1 जनरेशन का जब क्रॉसिंग कम्प्लीट हो जाती है तो हमें F2 जनरेशन मिलती है या F2 जनरेशन प्रोड्यूस होती है। इसी में पूरा ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये कम्प्लीटली इसी पे डिपेंडेंट है कि किस तरीके से पहले पेरेंटल क्रॉस होता है, पेरेंटल क्रॉस होने के बाद जब F1 जनरेशन प्रोड्यूस हो जाती है तो उसके बाद F1 जनरेशन की क्रॉसिंग स्टार्ट होती है, जिसमें F2 जनरेशन का जो प्रोडक्शन होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ऐसा सेग्रीगेशन में ऐसा कौन सा रूल है जो सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है। ये जो चार्ट है इसके अकॉर्डिंगली हम पूरा ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पेरेंट्स का फिनोटाइप, फिर उसके बाद फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस, देन गेमीट्स को देखेंगे, गेमीट्स को अलग करेंगे, फिर उसके बाद इसकी क्रॉसिंग करवाएंगे, और F1 जनरेशन और F1 जनरेशन दोनों का जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पेरेंट्स का फिनोटाइप देख लेते हैं। पेरेंट्स का फिनोटाइप देखने के लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से पेरेंट्स हैं। दो पेरेंट्स हैं, एक आएगा टॉल और दूसरा आएगा ड्रॉफ।
जो टॉल पेरेंट होगा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कैपिटल टी से, और जो ड्रॉप प्लांट होगा या पेरेंट होगा उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे स्मॉल टी से। तो यहाँ पे जब हमने दोनों पेरेंट्स को ले लिया तो उसके बाद अब हम पेरेंट्स के फिनोटाइप देखेंगे। फिनोटाइप मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि फिनोटाइप क्या होता है, इट इज़ द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ सम स्पीशीज और ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे इसका इस दोनों पेरेंट का फिनोटाइप क्या है या फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, एक टॉल है और एक ड्रॉप है। तो यहाँ पे हम एक लिख लेंगे एक टॉल है और एक ड्रॉप है। जब हमने दोनों का फिनोटाइप लिख लिया, अब हम लिखेंगे इसके फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस कि किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे इसका फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये इसका फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस है कि किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम लिखेंगे गेमीट्स। तो ये जो फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस है इसको अगर हम अलग अलग कर देंगे तो ये गेमीट्स के फॉर्म में आ जाएंगे। दैट मीन्स एक टी ऐसे स्मॉल टी दिस वन, ये हमने इसके गेमीट्स को अलग कर दिया कम्प्लीटली। अब हम इसकी क्रॉसिंग करवाएंगे। तो क्रॉसिंग करवाने के लिए सबसे इजी मेथड है एक गेमीट को एक एक करके लेते रहें। सबसे पहले हम इस गेमीट को लेंगे, इस गेमीट को लिया और इस ड्रॉप प्लांट से एक गेमीट को लिया, या हम ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हमने इस गेमीट को यहाँ लिया और इस गेमीट को लिया तो इसका जो भी जीनोटाइप बना वो बना ये कैपिटल टी स्मॉल टी। उसी तरीके से हम इस वाले प्लांट के भी ले लेंगे, एक टी ऐसे लेंगे और एक टी इस तरीके से यहाँ से लेंगे, तो ये भी बन गया इस तरीके से, यहाँ पे इसका भी जीनोटाइप आ गया। फिर हम दूसरा इधर भी लेंगे, एक इधर से आया एंड देन एक इधर से गेमीट लिया, तो फिर से ये मैंने बना दिया, एंड देन अगेन इस वाले से लेंगे। दैट मीन्स हम चारों को आपस में क्रॉस करवाएंगे तो हमें एक टाइप का सेम्ब्लेंस मिल जाएगा, ये एक कह सकते हैं एक टाइप की हमें एक फॉर्मेलिटी मिल जाएगी। फॉर्मिटी मिल गई हमको कि कैपिटल टी यहाँ पे जो है क्रॉस होने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया, कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब चारों में कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गया। तो ये हमें इसका जीनोटाइप मिल गया। अब हमें इसका फिनोटाइप, दैट मीन्स F1 जनरेशन का जीनोटाइप तो हमें मिल गया पर F1 जनरेशन का भी फिनोटाइप नहीं मिला है। तो फिनोटाइप निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें डोमिनेंट, ये जो कैपिटल टी है ये एक फैक्टर है और इसमें ये डोमिनेंट है। दैट मीन्स टॉल जो होगा वो डोमिनेंट है और जो ड्रॉफ है वो रिसेसिव है। यहाँ पे जो टॉल है वो डोमिनेंट है, दैट मीन्स कि वो अपना डोमिनेंस शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ टी है तो यहाँ पे ये आ जाएगा टॉल। अगेन यहाँ पे भी सेम है, कैपिटल टी है तो यहाँ पे भी आ जाएगा टॉल, सेम दोनों में और हो जाएगा, ये आ गया टॉल एंड देन टॉल। तो ये चारों टॉल जो हैं वो F1 जनरेशन की फिनोटाइप और जीनोटाइप हमें दोनों मिल गई। दैट मीन्स F1 जनरेशन हमें पेरेंटल क्रॉस से मिल गई। अब हमें इस F1 जनरेशन से F2 जनरेशन की जो प्रोजेनी है उसको प्रोड्यूस करना है। हमने पेरेंटल क्रॉस से F1 जेनरेशन तो निकाल ली, अब F1 जेनरेशन से F2 जेनरेशन दैट इज़ दी सेकेंड जेनरेशन वो हमें प्रोड्यूस करानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम देखेंगे, वही सेम रूल है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। सबसे पहले हम जहाँ पे पेरेंट का फिनोटाइप लिखते थे वहाँ पे हम फर्स्ट जनरेशन का फिनोटाइप लिखेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे जितने भी फिनोटाइप्स थे या जीनोटाइप थे वो सेम ही आए थे, तो हम उसमें से दो को यहाँ पे लिखेंगे। दैट मीन्स टॉल एंड टॉल, दोनों को लिख लिया हमने। अब उसका जो फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस था वो भी हम लिख लेते हैं, दैट इज टॉल 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 एंड टॉल। दिस इज द कंप्लीट फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस जो हम इसमें
लिखेंगे। उसके बाद हम इसके गैमेट्स को अलग कर लेते हैं, एक टी इधर से, कैपिटल टी इधर, स्मॉल टी इधर, देन अगेन कैपिटल टी अलग कर लेंगे, स्मॉल टी अलग। इसके गैमेट्स अलग करना बहुत ज़रूरी है, वरना क्रॉसिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। फिर अब हम लोग क्रॉसिंग करवाएंगे इसकी। तो सबसे पहले इस टी को हम यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेते हैं, एंड देन इस टी को यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कैपिटल टी, कैपिटल टी। उसी तरीके से हम सारे करेंगे, तीनों को करेंगे। देन फिर इसके बाद यहाँ पे इस तरीके से इसको लाएंगे, एंड अगेन इसको यहाँ पे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको भी सर्किल ही कर देते हैं तो आसानी होगी हमें आइडेंटिफाई करने में। अब हम हमेशा याद रखते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैपिटल टी पहले लिख दिया है, स्मॉल टी बाद में लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंस शो कर रहा है। अगर डोमिनेंस शो कर रहा है दैट मीन्स ये पहले आएगा। फिर नेक्स्ट वाले को हम और कर लेते हैं आइडेंटिफाई, इस टी को यहाँ पे लाएंगे, एंड अगेन अब हम इस टी से करेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, उसको भी हम सर्कल में कर देंगे, एंड अगेन दिस वन एंड दिस वन, स्मॉल टी इसको भी हम कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे जैसा कि हम देख रहे हैं कि F2 जनरेशन, दैट इज़ दी सेकेंड जनरेशन, उसका हमको जीनोटाइप जो था वो मिल गया। अब हमें उसका फीनोटाइप निकालना है। तो फीनोटाइप निकालने के लिए क्या करेंगे हम उसके, हम इस ये जो गैमेट्स हैं या ये जो जीनोटाइप है इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिटल टी किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है। यहाँ पे टॉल को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम टॉल। देन सेकेंड जो है वो इसको अगेन टॉल को ही आइडेंटिफाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है वो भी टॉल ही आइडेंटिफाई किया गया है। देन अगेन इसको भी टॉल कर देंगे, बट यहाँ पे स्मॉल टी को तो यहाँ पे ड्रॉप किया गया है, देन ये जो है ये ड्रॉप आ जाएगा। ये हमारी सेकेंड जेनरेशन जो थी वो भी निकल गई, दैट मीन्स हमें इसकी फीनोटाइप और जीनोटाइप दोनों मिल गया। बट अभी भी ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। ये इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि हमें दोनों जेनरेशन के फीनोटाइप और जीनोटाइप तो मिल गए, पर हमें इसका रेशियो नहीं मिला। तो रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले रेशियो निकालने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि एफ टू जेनरेशन कैसी आई है। एफ टू जेनरेशन जो है उसी से हम फीनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो दोनों निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फीनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो लिख देती हूँ। कैसे निकालेंगे फीनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो? फीनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो निकालने के लिए अगेन हमें जीन और इसका फिजिकल अपीयरेंस दोनों देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके जीन्स देखते हैं। जो जीन्स हैं वो किस तरीके से इसके हैं, अरेंज्ड हैं। जीन्स हैं इसके कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड देन स्मॉल टी। दैट मीन्स एक बार कैपिटल टी आया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे वन। फिर यहाँ पे स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों दो बार आए हैं तो हम यहाँ पे एस टू लगा करके लिख देंगे टू। देन अगेन हम यहाँ देखेंगे कि स्मॉल टी जो है वो सिर्फ एक बार रिपीट हुआ है तो हम यहाँ पे अगेन एस टू लगा कर लिख देंगे वन। दैट मीन्स इसका जो जीनोटाइप है वो हमें मिल गया, और वो क्या था? वन इज टू टू इज टू वन। नाउ अब हम इसका जो है फीनोटाइप रेशियो निकालेंगे, दैट मीन्स इसका फिजिकल अपीयरेंस निकालेंगे। तो इसका फिजिकल अपीयरेंस क्या है? यहाँ पे एक टॉल है, दो टॉल है, तीन टॉल है। दैट मीन्स इसका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वो थ्री पहले होगा, क्योंकि तीन बार टॉल जो है वो अपना कैरेक्टर शो किया है और एक बार जो है वो ड्रॉप किया है, तो यहाँ पे वन आ जाएगा। दैट मीन्स इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, एफ टू जेनरेशन से
हमें फीनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो दोनों मिल गया और फीनोटिपिक रेशियो था 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो था हमारा 1:2:1। ये कम्प्लीटली शो करता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो एक कम्प्लीट प्रोसेस है जो थ्रू आउट ये पूरा कम्प्लीट करता है इन्वेस्टिगेशन को मेंडल की। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। इसमें मैंने आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स थे वो एक्सप्लेन किए थे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कॉमेंट्स कर सकते हैं। बाकी इसकी जो भी समरी है या थोड़ा सा भी शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँगी तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, आप उसको ज़रूर वहाँ से देख सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से आप बोर्ड्स में इसको लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी मिल सके और टाइम पे मिल सके, ताकि आप उन वीडियोस को मिस ना करें। थैंक यू सो मच।